गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलंबितभुजौ कनिकावतातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांतो श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरि गुरुदेव नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे, कहते श्री कृष्ण जन्म होने से पहले जैसे श्री बलदेव प्रभु जन्म होते हैं, उसी तरह जब श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होने से पहले कहते श्री बलदेव अभिन्न श्री नित्यानंद प्रभु एक चक्र वा राढ़ गांव में वो जन्म ग्रहण करते हैं। क्योंकि जो नित्यानंद प्रभु वो कौन है, कहते ये संधिनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवता। संधिनी मतलब भगवान को जो धारण करते हैं, हैं भगवान को जो धारण करते हैं। अभी ठाकुर जी को कौन धारण कर सकता है, बोले श्री बलदेव प्रभु। और बलदेव प्रभु ये संधिनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवता, इसलिए कृष्ण के जो कुछ हम अलंकार देखते हैं, अलंकार वस्त्र सिंहासन पादुका छत्र आसन व्यंजन वो जो कुछ देखते हैं, ये श्री बलदेव प्रभु ही ये सब के सब ये रूप धारण करके रखे हैं। इसलिए कहते वही नित्यानंद प्रभु रूप में जब आए, कहते महाप्रभु जन्म लेने से पहले हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे, हाड़ाई पंडित और श्री पद्मा देवी पद्मावती देवी की गर्भों को आश्रय करते हुए श्रीमान नित्यानंद प्रभु जन्म ग्रहण किए। अभी नित्यानंद प्रभु जन्म को बाद में कौन जन्म ग्रहण करेंगे, फिर श्री मां चैतन्य महाप्रभु जन्म ग्रहण करते हैं। जैसे श्री कृष्ण जन्म होने से पहले कहते श्री देवक वसुदेव आ गए, श्री नंद जसोदा आए, कहते वही नंद जसोदा देवक वसुदेव कहते कलियुग में श्री जगन्नाथ मिश्र रूप में प्रकट हुए। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कश्यप दशरथ वसुदेव नंद सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद्र। कहते कृष्ण जब युग युग में अवतीर्ण हुए, कभी उन्होंने कश्यप जी का गर्भों का आश्रय करते हुए वामन देव रूप में आए, श्री दशरथ महाराज के रूप में जब आए, उनको पिता भगवान राम जन्म ग्रहण किए। जब वसुदेव रूप में आए, श्री कृष्णचंद्र मथुरा में प्रकट हुए। और जो नंद बाबा रूप में आए और कृष्ण कन्या श्री गोकुल में जन्म हुए। कहते ये जितने सारे तत्व है, कहते श्री सबका तत्व
का जो मूल कौन है, कहते श्री जगन्नाथ मिश्र। श्री जगन्नाथ मिश्र क्यों? सचिनंदन गौर हरि हैं, कहते कृष्ण ही राधा जी की भाव अंगता से लेकर के आए। कहते सारे तत्वों का जो मूल श्री जगन्नाथ मिश्र है। बोले तार पत्नी सचिनाम महापति व्रता, मूर्तिमति विष्णु भक्ति सही जगत माता। कहते उनको पत्नी कौन है? कहते श्री सची माँ है। हैं, कहते ये सची माँ कौन है? कहते महापति व्रत नारी, और ये साक्षात विष्णु भक्ति, और श्री जगत माता श्री जगन श्री जगत माता श्री सची देवी श्री जगत माता है। इसलिए जब इन्होंने अभी जन्म ग्रहण करेंगे, जन्म ग्रहण करने के से पहले हैं, कहते जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कद भगवान क्यों जन्म ग्रहण करते हैं? हैं कि जब जब जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, धर्म की हानि हो, तब तक भगवान जगत में अवतीर्ण होते हैं। जब भगवान अवतीर्ण होने से पहले जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह व्यतितत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति स्व अर्जुन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जैसे साधारण एक बच्चा जन्म लेता है, हैं जन्म हम लोग भी जन्म लिए हैं। हम लोग जगत में क्यों जन्म हुए हैं? किस लिए? बोले पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया है, वो कर्म को भोगने के लिए जोर जबरदस्ती हमको जन्म लेना पड़ता है, जोर जबरदस्ती हैं, क्यों कर्मों का फल हमें भोग करना। लेकिन जो भगवान जो जन्म ग्रहण करते हैं, भगवान जो जन्म ग्रहण करते हैं वो किस लिए जन्म ग्रहण करते हैं? काल का बस से होकर के नहीं, कद जीवों को ऊपर में भगवान कल्याण करने के लिए भगवान जगत में जन्म ग्रहण करते हैं ठाकुर जी। इसलिए कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम। कहते हे अर्जुन, मेरा जो जन्म और जो कर्म है ये अलौकिक दिव्य अपराकृत है। कहते इसको तत्वतः अगर कोई जान ले, मेरे जन्म कर्म के बारे में, शरीर छोड़ने का बाद फिर जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अजो अपि सन अभय आत्मा भूतानापि ईश्वर अपि सन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्माया। हम लोगों ने कैसे जन्म ग्रहण किए? ये महामाया की अधीन में होकर के। लेकिन भगवान जब जन्म लेते हैं कैसे? अपना जोग माया के आश्रय को लेकर के ठाकुर जी जगत में जन्म ग्रहण करते हैं। हैं, इसलिए अभी जैसे कृष्ण और हमारी जन्म कैसे हुआ? कहते पति पत्नी का मिलन, हम लोगों को कहते शुक्र जन्म, शुक्र जन्म से हमारी हुई है, पति पत्नी के मिलन से जन्म हुई। इसलिए हमारे जो शरीर है, कहते ना खिति जल पाप गगन समीरा पंच रचित, ये अधम शरीर हमारी है। लेकिन भगवान की शरीर कैसे हैं? सचिदानंद रूप हैं, सत चित और आनंद स्वरूप भगवान। इसलिए बद्ध जीव जैसे जन्म लेते हैं, भगवान वैसे जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए हमारे चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु आने से पहले हैं, आने से पहले जैसे कृष्ण आने से पहले जब वसुदेव महाराज ने क्या किया, देवकी को बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनाई। जैसे गुरुदेव हमारे क्या करते हैं, सीधा कानों में गुरुदेव मंत्र प्रदान करते हैं। जब गुरुदेव सीधा कानों में मंत्र प्रदान करते हैं कि वो मंत्र रूप में कहते वो बीज, कहते ना गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कहते गुरु और कृष्ण प्रसाद से भक्ति लता रूपी जो बीज को गुरुदेव हृदय में बो देते हैं, हृदय में बो देते वो भक्ति लता बीज। फिर उसमें जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं फिर धीरे धीरे अंकुर होता है, फिर दो पत्ता आएगा, फिर उसमें टहनी आएगी, फिर धीरे 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 ये भक्ति बढ़ते रहती है। कहते ठीक उसी तरह गुरुदेव जो हमारा मंत्र दिया उसी तरह, कहते उसी तरह से वसुदेव महाराज जब देवकी को उन्होंने सुंदर सुंदर कृष्ण कथा सुनाए, वो कृष्ण कथा माध्यम से भगवान क्या किया, देवकी के कर्णों को प्रवेश करते हुए उन्होंने हृदय में ठाकुर जी गए हैं। कहते उसी तरह श्री महाप्रभु जब आए, कहते एक समय जब महाप्रभु आने से पहले जगन्नाथ जी बड़े सुंदर स्वप्न देखा,
हैं, क्या स्वप्न देखा? जब स्वप्न टूटा, इतने में स्वप्न टूटते ही जगन्नाथ मिश्र कह रहे सची को, बोले सची सची मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा? मैंने देखा एक दिव्य तेज पुंज हैं, एक दिव्य तेज पुंज वो मेरे हृदय में प्रवेश किया, और मेरे हृदय से होते हुए ना हमने देखा तेरे हृदय से गई है। लगता है जन है ना बुझी जन्मिले कौन महाभागा, लगता है तुम्हारी गर्भ में बड़े कोई महाभाग्यशाली कोई आने वाले हैं। मैंने एक अद्भुत मैंने ये स्वप्न देखा है। सचमुच से जिस दिन उन्होंने स्वप्न देखा ना, उसी दिन से सची माँ गर्भधारण की, सची मैया ने गर्भधारण की। कल सची मैया जब गर्भधारण करती है, इतने में क्या हुआ, जितने जैसे कृष्ण आने से पहले 33 करोड़ देवता आकर के स्तुति की, गर्भ स्तुति करते हैं, कहते चैतन्य भागवत में वर्णना करते वेद व्यास जी, कहते उसी तरह जब महाप्रभु आए सारे देवता स्तुति कर रहे। देखो क्या स्तुति कर रहे हैं, बोले जय जय महाप्रभु जनक सवार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार। कहते चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले हे प्रभु आप तो जगत पिता जगन्नाथ हो, सबकी आप पिता हो जगत का, बोले जगत में क्यों अवतीर्ण हो रहे हो? बोले संकीर्तन हेतु अवतार, इसलिए उन्होंने संकीर्तन के लिए, कीर्तन के लिए ही जगत में वो अवतार ले रहे हैं। बोले जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय अभक्त धवन महाकाल। बोले जन्म क्यों लेते हैं? कहते वेद धर्म को स्थापन करने के लिए और साधुओं को रक्षा करने के लिए आते हैं, और अभक्त दमन और जो दुष्टों को उसको दमन करने के लिए जगत में भगवान अभिन्न आते हैं। बोले जय जय इच्छामय महामहेश्वर, जे तुम्ही अनंत कोटि ब्रह्मांड रवास, से तुम्ही श्रीमती गर्भे करीला प्रकाश। कहते ये भगवान कौन है महाप्रभु? कहते अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो निवास जिनके अंदर में, इसलिए मैया ने जब कृष्ण को बोला मिट्टी खाई, बोले नहीं, जब मुंह खोले क्या देखा, विश्व ब्रह्मांड को देखा। कहते उसी तरह अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो आधार भगवान है, लेकिन सारा दुनिया तो उनके अंदर में, लेकिन वो जब आते हैं किसकी गर्भ में आश्रय करते हैं, बोले अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जिनकी गर्भ में, वो अभी सच्ची माँ की गर्भ में आश्रय करते हुए उन्होंने सचिनंदन गौर हरि हो करके आए हैं। तब यहाँ पर कहते हैं, कहते हे प्रभु तुमको कौन समझ सकता है, तुमको कौन समझ सकता है तुमको, क्योंकि तुम्हारी एक इच्छा से ही जगत में सृष्टि स्थिति प्रलय होता है। और इस जगत में जैसे कृष्ण भगवान राम रावण को मारने के लिए आए, कृष्ण कंस को मारने के लिए आए, उनका जरूरत है कंस को रावण को मारने के लिए जन्म लेने का कोई जरूरत है? तो जहाँ पर वहीं बैठ कर चुटकी बजाते ही हैं चुटकी बजाते ही, अब रामायण देखा ही ना, हनुमान जी क्या बोलता है, जब हनुमान जी को बांध करके ले गए ना रावण के सामने, क्या हनुमान क्या बोलता है, बोले मैं तेरे को मार सकता हूँ मैं तेरे को चुटकी बजाते हुए तेरे को मैं मार सकता हूँ, लेकिन हम चाहते हैं ये जो फल है इसका जो महिमा प्रभु को ही प्राप्त हो, प्रभु का ही प्राप्त हो ये महिमा, इसलिए मैं तो तुमको चुटकी बजाते हुए मार सकता हूँ। इसलिए हनुमान जी एक मुष्टि का घात मारे ना रावण को, रावण बेहोश हो गया उनकी एक मुष्टि का घात में, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शंकर शिव है ना, स्वयं शिव है, हैं। कहते यहाँ पर कह रहे हैं भगवान तो वो इच्छा करते ही अनंत करोड़ों ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है, लेकिन वो बैठी वैकुंठ में बैठी बैठी करके ही ये सब काम को ठाकुर जी कर सकते हैं। लेकिन फिर जगत में क्यों जन्म ग्रहण करते हैं, कारण क्या है? कहते कारण है, कहते विशेष करके संसार को उद्धार करने के लिए, भक्तों को दर्शन दे करके, और मधुर मधुर ठाकुर जी कहते अनुग्रहायाम भक्तानाम, मधुर मधुर लीला करके, अगर कृष्ण आए राम आए इतने प्यारी प्यारी लीला की, तभी तो हम कथा सुन रहे हैं प्रभु जी की। अगर प्रभु तो वही कर बैठ बैठ कर मार देते, कथा सुनते, कथा सुनते, सीता को रावण ने उठा कर लिया था तो लिया ही नहीं, वो तो अग्नि को पास में थी, अग्नि को पास में थी, हैं,
इसलिए ठाकुर जी कह रहे केवल भक्तों को आनंद देने के लिए ठाकुर जी, भक्तों को विनोद देने के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, उनको विरह दुख दूर करने के लिए प्रभु जगत में आप आते हो, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं वहीं बैठ बैठ करके ये सब काम को कर सकते हो। तब तो कहते आप यहाँ पर कह रहे कौन सा युग में आप किस रूप में आए और क्या किया किया। बोले सत्य युग शुक्ल वर्ण धारण, सत्य युग में शुक्ल वर्ण धारण करके कहते आपने समझाया किया। बोले तप धर्म बुझाओ अपने तप करे, भगवान स्वयं तपस्या करते हुए कृते जत धायते विष्णु, इसलिए भगवान स्वयं तपस्या करते हुए जगत को ने तप धर्म सिखा दिया। बोले तृतीयाते रक्त वर्ण, तृतीया में उन्होंने रक्त वर्ण धारण करते हुए आए हैं। तब उन्होंने क्या बोला, बोले यज्ञ पुरुष बुझाओ यज्ञ धर्म, आप स्वयं यज्ञ पुरुष बन करके यज्ञ करनी चाहिए। तृतीया जजत मखई, तृतीया युग में भगवान की धर्म आराधना करने का धर्म यज्ञ है, यज्ञ सिखाया। बोले द्वापर ते श्याम वर्ण रूपे, द्वापर युग में कृष्ण श्याम वर्ण रूप में, कृष्ण रूप में आए। तो उन्होंने क्या सिखाए, बोले पूजा धर्म सिखाओ अपने घरे घरे, अपने घरे घरे में ठाकुर जी को अर्चन पूजा की उन्होंने हैं धर्म को सिखाया। बोले कलियुगे, बोले कलियुगे विप्र रूप धरी पीत वर्ण बुझावारे वेद गोप्य संकीर्तन धर्म। बोले कलियुग में आप विप्र रूप में आकर के उन्होंने जगत को संकीर्तन धर्म सिखा, संकीर्तन धर्म संकीर्तन धर्म शिक्षा देने के लिए आपने कलियुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि रूप में आए। और स्वयं हैं महाप्रभु क्या करते थे, स्वयं महाप्रभु हरे कृष्ण इति उच्च स्फुरित रसना नाम गणना हैं कृत ग्रंथ श्रेणी सुबद कर। इसलिए महाप्रभु स्वयं हैं भगवान होते हुए भी उन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण ईत उच्चई, उच्च स्वर में ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु स्वयं वृंदावन गए, वहाँ पर इमली दला देखना, वही वृक्ष को नीचे महाप्रभु खुद बैठ करके माला लेकर के जमुना को सामने बैठ करके वहीं पर महाप्रभु बैठ करके 5-6 घंटा तक महाप्रभु वहीं पर हरिनाम जप करते थे। भगवान भी हरिनाम जप करते थे। कि हरिनाम किसके मुँह से सबसे पहले निकली, बोले श्री राधा रानी के मुँह से कृष्ण विरह में ही ये नाम निकली। इसमें विरह और मिलन उसमें है, जैसे हरे कृष्ण ये मिलन है, फिर कृष्णा कृष्णा हाँ, फिर हरे हरे, फिर हरे राम, इसलिए पहले ये मिलना, फिर बीच में विरह, फिर मिलना, उसमें विप्रलंब और संभोग, ये दोनों चीज़ ये हरे कृष्ण महामंत्र में विद्यमान है, हैं विद्यमान। इसलिए राधा रानी कृष्ण विरह जब थी उसी समय राधा रानी के मुंह से ये हरे कृष्ण महामंत्र निकला है, हैं। इसलिए कृष्ण नाम में इतने मधु, इतना आनंद है, इतने स्वाद है, जिसको स्वयं भगवान भी, इस नाम को स्वयं राधा ठाकुरानी भी ये नाम को जप करती हैं। इसलिए कहते आपने 10 अवतार लिया, मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह बामन परशुराम बलराम बुद्ध कल्कि, उन्होंने 10 अवतार लिया। और 10 अवतार लेकर के क्या सब देवतालों को स्तुति कर रहे हैं, बोले प्रभु मत्स्य अवतार आपने लिया, मत्स्य अवतार लेकर क्या किया, प्रलय हैं, प्रलय को दर्शन करवाया, हाँ, जिसे मत्स्य अवतार मनु कौन सा महाराज थे, सत्यव्रत मुनि, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मत्स्य अवतार लेकर के प्रलय को उन्होंने दर्शन कराया, हाँ। उसके बाद मिले कुर्मावतार में क्या किया, जब समुद्र मंथन हो रही थी, अपना पृष्ठ जिस समय मंदाराचल पर्वत धीरे 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 नीचे जा रही थी, भगवान को प्रार्थना किया तो ठाकुर जी अपना हैं कछुए रूप धारण करते हुए पृष्ठ देश में श्री मंदाराचल पर्वत को धारण किया। और कहते उसी समय में ठाकुर ने जो श्वास लिया ना, समुद्र को देखे हो, कहाँ समुद्र देखे, पुरी में, अब देखना उसमें लहरी आती हैं, तब वो कहते क्यों लहरी आती है,
कहते इसलिए लहरी आती है, कहते भगवान ने जो उस समय श्वास लिया था वो श्वास से ही समुद्र से वो लहरी प्रकट हुई, अभी भी वो लहरी कंटिन्यू, अभी भी वो लहरी अभी भी आ रही है। इसलिए उन्होंने कुर्म अवतार, फिर बराह अवतार लिया। बराह अवतार में क्या किया, कहते ये पृथ्वी को जब रसातल में चली गई थी और मनु महाराज जब सृष्टि करना प्रारंभ कर रहे थे उसी समय सृष्टि कहाँ करे, पृथ्वी तो है नहीं, तब ब्रह्मा जी छिंके तो उनको नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ और देखते 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 विशाल श्री बराहा भगवान की, फिर पानी में उन्होंने छलांग लगाई, लगा करके अपना हैं अपना मुंह को ऊपर में पृथ्वी को धारण करते हुए लाए, फिर उन्होंने धुरी पर स्थापन की, फिर वहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई। कहते बराहा अवतार में एक तो हिरण्याक्ष को वध किए और उन्होंने पृथ्वी को उन्होंने पालन किए। कहते दो बराह है, एक श्वेत बराह है और एक कृष्ण बराह, ये दोनों बराह मथुरा परिक्रमा किए हो, मथुरा परिक्रमा में वहाँ पर आपको दर्शन करने का बराह मिलेंगे। कहते उन्होंने वेद को उधार किया, बराह अवतार कहते वेद में भी उधार किया और जो मधु और कैटभ को भी उन्होंने वध किया है। कहते उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, चौथा अवतार भगवान की नरसिंह अवतार में क्या किया, हिरण्याक्ष को उन्होंने वध किया और भक्तों के प्रहलाद को उन्होंने रक्षा किया है। और उसको बाद में आते हैं वामन अवतार, वामन अवतार में बलि महाराज को ऊपर में उन्होंने आशीर्वाद किया है, बलि महाराज के ऊपर उन्होंने कृपा किया है। कहते उसको बाद में आते परशुराम अवतार, परशुराम रूप में क्या किया, पृथ्वी को 21 बार उन्होंने निखत्रिय उन्होंने कर दिया था, हैं निखत्रिय उन्होंने कर दिया था। पर उसको बाद में कौन सा अवतार आते हैं, भगवान श्री राम रूप में आते हैं, राम रूप में आकर के उन्होंने क्या किया, रावण समेत उन्होंने लंका को पूरा ध्वंस कर दिया भगवान राम ने। उसके बाद में आते हैं श्री हलधर, हलधर रूप में श्री बलदेव रूप में आते हैं। उसको बाद में बुद्ध रूप में, बताओ बुद्ध रूप में क्या किया, हाँ बुद्ध रूप में उन्होंने अहिंसा को धर्म को उन्होंने स्थापन किया, दया को उन्होंने दिखाया। कल की अवतार में म्लच्छ को निधन करेंगे कल की अवतार में, और धन्वंतरी अवतार में बोलो क्या किया, अमृत कलश लाए प्रदान किया। बोले नारद अवतार में, नारद अवतार में इसलिए उन्होंने एक नारद भक्ति सूत्र लिखे हैं ग्रंथ हैं, और इन्होंने हैं नारद भक्ति सूत्र रखे और विशेष करके नारद मुनि बाजा ये बिना राधिका रमण नाम है, हर समय अपना बिना में राधिका रमण नाम पर हर समय कीर्तन करते हैं। क्या तो व्यास, व्यास अवतार में क्या किया, हाँ सारे ग्रंथों को विभाजन करते हुए सारे पुराण को ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया। कहते निज तत्व को अपना तत्व को ही भगवान स्वयं हैं, व्यास अवतार में भगवान की महिमा को कौन जान सकते हैं, भगवान तो जानते हैं ना, हम तो जानते नहीं, इसलिए उन्होंने अपना महिमा को व्यास अवतार में अपना निज तत्व को उन्होंने व्याख्यान करते हुए हम बद्ध जीव को उन्होंने जन्माया हैं। कहते सब हाँ कहते व्यास अवतार में कहते ऐसे ही बोले यही अवतार भक्त रूप धरे, कहते इसी अवतार में उन्होंने स्वयं उन्होंने भक्त का रूप, भगवान होते हुए भी उन्होंने एक भक्त का रूप धारण किया। इसलिए बोले साधु पावा बड़ कष्ट जीवेर जानिया साधु गुरु रूपे कृष्ण आयल न दिया। कलयुग में साधु माना बहुत कठिन है, भगवान स्वयं एक साधु का रूप धारण करते हुए 24 साल गृहस्थ धर्म याजन किया। बोले जो घर गृहस्थी करना चाहते हैं उनको घर गृहस्थी किसी रूप में अपना गृहस्थ धर्म को याजन करनी चाहिए, और भगवान होते हुए भी क्या करते थे गृहस्थ, कहते अतिथि सेवा, गृहस्थ का धर्म अतिथि सेवा है, हैं साधु संतों की सेवा अतिथि सेवा है। इसलिए महाप्रभु क्या करते थे अपना हाथों से सबको बड़े बड़े साधु संतों को भोजन कराते थे। बोले बड़े बड़े साधु संत कौन थे, बोले व्यास पराशर वशिष्ठ, कहते सख्या तो लक्ष्मी भोजन बनाती है, हैं लक्ष्मी भोजन बनाती है और महाप्रभु खिलाते हैं, लक्ष्मी को हाथ में सभी खा सकते हैं और महाप्रभु सब खा, उनका हाथ में जो खाते कोई साधारण व्यक्ति, बोले सब कोई साधारण नहीं थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग लक्ष्मी के हाथ से प्रसाद पाने के लिए भगवान के हाथ से भोजन करने के लिए आते थे,
और भगवान स्वयं को भोजन करवाया करते थे। और उनने 26 साल के बाद में फिर गृहस्थ, उसके बाद 26 साल उन्होंने सन्यासी 26 साल में लिए, और 26 साल तक उन्होंने सन्यासी लीला की, और 6 साल तक संपूर्ण समस्त तीर्थ में पर्यटन किए, और 18 साल तक पुरी में गंभीरा में महाप्रभु निवास किया है। इसलिए कहते स्वयं उन्होंने संकीर्तन धर्म को प्रचार किया, घर घर में जा करके प्रेम भक्तियों को महाप्रभु घर घर में प्रदान किया है। इसलिए हम हिम्मत थाकी बेना पृथ्वी आनंद रिमत थाकी बेना सब दासरणीय संकीर्तन। इसलिए कहते महाप्रभु अपना सारे भक्तों को लेकर के कीर्तन धर्म प्रचार किया और सब भक्तों को उन्होंने आनंद दिया है, हैं। इसलिए भक्त दर कीर्तन की लाभ महाप्रभु भक्त। इसलिए यहाँ पर श्री जब गर्भ में आए भगवान, सारे देवता लोग आकर के स्तुति स्तव कर रहे हैं सबके सब, हाँ। और जितने सब भगवान जन्म ग्रहण करने वाले, जब जन्म ग्रहण करने वाले सब भक्त लोग भी अवतीर्ण हो गए। इसे देखो, इस श्लोक को हो सके ना, इस श्लोक को तुम लोग याद कर लेना, बहुत अच्छा श्लोक है। कहते एक भक्त जन्म जब ग्रहण करता है और एक भक्त जब नृत्य करता है हाथ उठा करके, स्वर्ग में कैसे देवता का कल्याण होता है। जो अपना प्रेममय दृष्टि से जितना दूर तक उनको दृष्टि जाती है उतना दूर तक पवित्र हो जाता है, और जिनकी चरण स्पर्श पाकर पृथ्वी भी अपने आप को धन्यात धन्य मानती है। इस श्लोक को तुम लोग याद यहाँ से लिखवा लेना बाद में, हाँ बाद में यहाँ से कहते आकर लिखवा देना, बहुत अच्छा श्लोक है। इसलिए यहाँ पर कहते प्रभु जब तुम्हारी भक्तों का इतना महिमा हो सकता है तो यहाँ पर देवता लोग कहते तुम्हारी कितना महिमा नहीं होगा, तुम्हारी कितना महिमा नहीं होगा। इसलिए गंगार परस हैले पश्चात पावन और दर्शन पवित्र कर यही तो मार्ग। गुरु गंगा में नहाने पर पवित्र होते हैं और भक्तों को दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, हैं। इसलिए तब यहाँ पर देवता लोग कर बोले प्रभु अब कलयुग में आकर करेंगे किए कि क्या करेंगे। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं ना, भव वीर वांछित जे प्रेम जगते फैली लढाली, कांगाल पाइया खाइल नाचिया बाजाइया करताली। इसलिए उन्हें ब्रह्मा शंकर जो प्रेम के लिए तरसते हैं, महाप्रभु उसे मुक्त हस्त से वो प्रेम को जगत में प्रदान करेंगे। इसलिए सारे देवता लोग कर बोले प्रभु आप कृपा करके जगत में प्रकट हो, हम सबको दर्शन दे, हमको दर्शन दे करके। और जब भगवान जन्म ग्रहण करेंगे उस समय क्या होगा, भगवान गंगा नदी में किनारा में गंगा में जल विहार करेंगे, हैं, जल विहार करेंगे। गंगा यमुना दो बहनी है, दो बहनी होने पर एक समय गंगा यमुना को कह रहे बोले यमुने तो कितने बड़ी सौभाग्य, यमुना सबसे बड़ी बहनी कहे तो कितने बड़े सौभाग्य, बोले क्यों, बोले कृष्ण तुम्हारी किनारा में जन्म हुए और कृष्ण तुमसे जल विहार किए तुम्हारे उसमें, हैं, नौका विलास जल विहार कृष्ण तुम्हारी पानी में किए, तुम कितने भाग्यवती हो। तब यमुना कहते तू भी कम भाग्यवती नहीं, बोले कैसे, बोले यही कृष्ण कलयुग में राधा जी की भाव अंगकांति लेकर तुम्हारी किनारा में जन्म ग्रहण करेंगे और तुम भी जल विहार करेंगे। और जिस समय जल विहार करेंगे गंगा क्या करती थी, अपना जो लहरी की माध्यम से महाप्रभु को ऊपर उठाती थी नीचे रहती थी, ऊपर उठा देती नीचे, जैसे महाप्रभु भक्तों के साथ में तैरते थे यमुना गंगा में। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं गंगा की कितने सौभाग्य उदय होगा, बोले योगेश्वर का जो दुर्लभ है नवद्वीप में भक्त महाप्रभु ये प्रेम को सबको प्रदान करेंगे। बोले अनंत ब्रह्मांड जत अच्छे सुमंगल सही पूर्णिमा आसी मिल ल सकल। कहते अनंत ब्रह्मांड में जितने सुमंगल है वो सबके सब कहाँ पर आए, महाप्रभु जिस पूर्णिमा में जन्म ग्रहण किया सबके सब आकर के उसी पूर्णिमा में मिलन हो गए। इसलिए संकीर्तन सहित प्रभुर अवतार ग्रहण र छले ताहा करे न प्रचार। महाप्रभु जिस समय जन्म ग्रहण किए उस समय में चंद्र ग्रहण हुआ और जितने लोग सबके सब हरी बोल हरी बोल, बोले सचिनंदन गौर हरि की, ये सब के सब जा रहे थे कीर्तन करते करते गंगा में नहाने के लिए। क्यों, महाप्रभु सोच रहे ऐसे समय पर आऊं जिस समय सबके सब मुंह में हरिनाम
ग्रहण करते हुए हो, क्योंकि जगत में मैं ये हरिनाम कीर्तन प्रचार करने के लिए आ रहा हूँ। और भक्त लोग जब सबके सब कीर्तन करते करते जा रहे थे, हरि बोल करते करते, ठीक उसी समय में ही श्री सच्चिदानंद गौर हरि श्री नवद्वीप धाम में अवतीर्ण होते हैं। बोले सच्चिदानंद गौर हरि की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। वंशाकुल कृपा सिंधु भाई बचो पतितानंग पावने भो वैष्णव भो नमो नमः। हम सोच रहे हैं जो चैतन्य भागवत है ना, हम इसको शाम को करेंगे, सवेरे और कुछ ग्रंथों को ले लेंगे, जो थोड़ी सी नाम चिंता है ना, हरि नाम चिंता हूँ, हरिनाम चिंतावनी नहीं तो हम सोच रहे थे, नहीं तो माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ, माधुर्य कादम्बिनी, नहीं तो जैव धर्म कोई सिद्धांत का ग्रंथ ले, सवेरे दिमाग फ्री रहता है, कोई सिद्धांत का जो ग्रंथ है ना वो अच्छा है, हरिनाम चिंतामणि भी अच्छा ग्रंथ है। मैं आज देखता हूँ कल से कोई ग्रंथ, कोई विचार सिद्धांत ग्रंथों को पाठ करेंगे। हरे कृष्ण दावन सम। और तुम लोग हो सके तो कोई अच्छा अच्छा श्लोक को याद करके आना। हाँ तो तुम दोनों कोई अच्छे अच्छे भागवत का जो श्लोक है ना, भागवत का जो प्रसंग के अनुरूप जो श्लोक है, हाँ भागवत का जो प्रसंग के अनुरूप श्लोक भी याद करो। मैं कल देखूँगा तुम लोग कहाँ तक याद किए हो। मैं चाहता हूँ तुम लोग भागवत पूरा भागवत ग्रंथ हो जाए। या याद किया है भागवत का श्लोक? हाँ भागवत का खूब सारी याद, लेकिन जो काम का याद किया कि नहीं, जैसे प्रहलाद चरित्र का जो मैंने श्लोक है थोड़ा थोड़ा होगा, सारी याद नहीं होगा। और ध्रुव चरित्र का तो तुम जानते हो, और अजामिल चरित्र का जो श्लोक है हम कल देखेंगे होगा, तो उस श्लोकों को तुम लोग बोल रोज रोज याद करके सुनाना, तुम्हारी भागवत पूरा कथा की सब सुना। दवनला सम संसार दहनी दग्ध जीव गुला उधर कारणी करुणा बारिद कृपा बारी दानी बंदी से गुरु चरण कमल नृत गीत वाद श्री हरि कीर्तने राय नामगन महामत मने रोमांच कंपाश्रु आय गौर प्रेमी बंद से गुरु चरण कमल नृतनी विग्रह श्रृंगार मंदिर मार्जनी करे नी युक्त अनुगत जने बंद से गुरु चरण कमल चर्ब चुसले पेयर समय प्रसादन कृष्णे अति स्वादु भक्त स्वादनी निज तृप्तर बंद से गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादनी लुब्ध चितजिनी अन प्रतिक्षणी बंद से गुरु चरण कमल ब्रज जो द्वंद रति संवर्धने युक्ति कर सखी सन वृंदावने अति लक्षताए प्रियतम गने बंद से गुरु चरण कमल सर्वशास्त्रे गाये श्री हरि स्वरूप भक्त गण भावे सही अनुरूप किंतु जिनी प्रभु प्रियतम रूप
वंदित गुरु चरण कमल जहार प्रसाद कृष्ण कृपा पाए जर प्रसाद अन्य गति नाई त्रिसंध्या कीर्तिर स्तव ध्यानी भाई वंदित गुरु चरण कमल गुरुदेवाष्टक अति जतन करे ब्राह्मी मूर्ति पड़े उच्च करे वृंदावन नाथ साक्षात श्री I'm
भगवान रात को एसी लगा दिया, एसी लग गया भगवान रात को एसी लगा दिया, पूरा पूरा एसी हो गया। घर भी चालू होती ना, तो इसलिए पहले आगे बोलो था एसी लग गया और हमारे कमरे का एसी खराब हो गया। तो मेरे रूम में आकर सो जाता था। दर दर तुम्हारे घर बंद कर रखा था ना अंदर में, तुम घुमसटा हो जाए, बाहर सो सकते तुम लोग। उसी घर में क्यों सो रहे थे? बाहर जो उस पास वाले घर बढ़िया था जिसमें सोया था, और वो घर भी कुछ है। Thank you.
आजीव दया करी ले ने
जय हरे कृष्णा नामा जग जन सुभिश्राम सर्वजन मन सरंजन Thank you.
निकट निवास देहि गोवर्धन त्वम् धरते रचयति नवजुन द्वन्द्वमस्ति कलनार्थ लग्न कस्त द्वयर्मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम् अनुपम मणि वे रत्न सिंहासन ध्रुवजर धर सनु द्रोणी संग सुरंग सह बल सखि विशाख लयन सोप्रियमी निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम् रसनिधि नवजुन साखिणी दान केले दूति परिमल विद्वसाम वेदि प्रकाश रसिका वर कुलनम मोदमस्फलयन मे निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम् हरिदयिताम पूर्वम राधिका कुण्डमात्मम् प्रिय साधमीय कंठे निर्मलांगी मुक्त नाव जोग जोग केलस्तत्र पसन रावमी निज निकट निवास देहि गोवर्धन त्वम् स्थल जल तल सल गुरु प्रतिपाद मनु काल अंत संवर्धयन गा त्रिजगति निज गोत्रम सार्थकम ख्यापयन में निज निकट निवास देहि गोवर्धन त्वम् सुरपति कीर्ति दीर्घ द्रोह तो रक्षा तव नव गृह रूप चांतरी पूर्व तैर आगव करी पुण चैत समान निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम् गिरि नृप हरिदास श्रेणी वर्जति नम प्रीतमीद मोदित श्रीराधिता वक्र चंद व्रज नारतिलक क्लब्त वेद निज निकट निवासम दे गोवर्धन त्वम् निज जन जूतरा कृष्ण मैत्री रसक्त व्रज नार पशु पक्षी भ्रात सख्य तदत अगणित करुणात्मन निज निकट निवासम दे गोवर्धन त्वम् निरुपाधि करुणेन श्री सचिनंदन त्वयि कपटि सतोपि त्वद् प्रिय नार्पिष्टि इति खलु माम योग्य योग्यता कृष्णन निज निकट निवास देहि गोवर्धन त्वम् असदद सतदम् श्रील गोवर्धन चीतिधर कुलवर्तुज सजन दधिते सा सपदि सुख देते सता जुगल सेवा रत्न मापति सुन निज निकट निवास देहि गोवर्धन त्वम् निज निकट निवास देहि गोवर्धन जय गिरिराज जय गोवर्धन गिरिराज जय कृष्णदेव भवन्तं वन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे मनमानस मधुकर मार्पय निज पद पंकज मकरन्दे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे पिपाकति नतवन सग्रमरीते इदानमिच्छामि नितं नतवाचुक तदा
बधाई देते, बंद बंद कर दे इसको।